नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से, भिवानी से चंडीगढ़ जाने वाली दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों व शिक्षकों को आ रही समस्या के निवारण के लिए व सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के अथक प्रयासों के उपरांत बुधवार को भिवानी कालका एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन शुरू कर दिया गया है। गाड़ी को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ व विभाग अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रेल मंत्री का आभार जताया तथा गाड़ी को यात्रियों सहित राजधानी की तरफ रवाना किया। गौरतलब है कि कोविड-19 के दौरान भिवानी से चंडीगढ़ कालका जाने वाली गाड़ी रोक दी गई थी और उसके बाद यह गाड़ी नहीं चली थी, जिसके चलते दैनिक रेल यात्री संघ व अनेक संगठनों और रोहतक व भिवानी के सांसद के समक्ष समस्या रखी गई थी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व रोहतक के सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने रेल मंत्री से इस बारे में गुहार लगाई। उसके बाद यह रेल सेवा शुरू हुई है, जिससे देश और प्रदेश के लोगों को इसका बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस रेल सेवा के शुरू होने से विद्यार्थियों, शिक्षकों और दैनिक रेल यात्रियों तथा चंडीगढ़ सचिवालय में जाने वाले कर्मचारियों को विशेष लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के समक्ष व रेल डिपार्टमेंट के समक्ष यह समस्या रखकर जल्द ही इस गाड़ी की गति को तेज करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि यात्री कम से कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। कोविड की वजह से 2.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, ये हरियाणा की लाइफ लाइन थी, क्योंकि हमारी प्रदेश की राजधानी अभी चंडीगढ़ है और ज़्यादातर हेडक्वार्टर हमारे पंचकुला और चंडीगढ़ में है। तो कोविड की वजह से ये ट्रेन बंद थी और माननीय मंत्री जी ने वैसे तो 8 तारीख से कहा था, वो भी शायद 1 महीना लेट हो गई। पिछली 8 तारीख की बात थी कि 8 से चल पड़ेगा, और हमने जो लिख के दिया था उसका सीधा मकसद यही था कि चंडीगढ़ और पंचकुला के जितने भी ऑफिस हैं हमारे, उस समय पर ये ट्रेन पहुंचे। हालांकि पहले हमारी ये डिमांड थी कि ये ट्रेन रिवाड़ी से दादरी भिवानी होके ये कालका जाए, पंचकुला जाए, पर अब ये पुराना जो ट्रेन थी भिवानी से ही चलाई गई है आज से, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। वो अम्बाड़ा डिवीज़न जाने या NWR की कमी है या दिल्ली जोन की, अब ये 6.25 घंटे लेगी। मुझे लगता है कि जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ से 152 सड़क बना दी, जो 3 घंटे में आदमी यहाँ से कार में बैठ के पहुँच सकता है, तो 6.25 घंटे अगर ये ट्रेन लेगी तो स्वाभाविक है फिर इस ट्रेन में जाने वाला सवारी है वो तो कहीं ना कहीं सड़क का इस्तेमाल करेगा। तो मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है कि आप अम्बाड़ा डिवीज़न से और दिल्ली जोन से बात करके इस टाइमिंग को, जब पानीपत का 1 घंटा हमने बचा लिया तो भी अगर ये 6.25 घंटे लेगी तो वो वायबल नहीं रह पाएगी, इसलिए इस समय को किसी प्रकार से कम करके मैक्सिमम 4.5 घंटे तक कैसे लिया जा सकता है, ये हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की, क्योंकि ऐसी बात नहीं, हमारे सफिशेंट है डिपार्टमेंट भी, और मुझे लगता है कि इस चीज़ का ये तरीका निकाल लें, क्योंकि अब तो गुवाहाटी जाने वाली जो पैसेंजर हैं, जो यहाँ से जिसने गुवाहाटी जाना है, रोज तक उसे ट्रेन बदलनी थी, मात्र 2 मिनट के फासले में वो ट्रेन भी निकल जाएगी। तो इसको दोबारा से इसका सही सिस्टम मैकेनिज्म कैसे हो, सभी सवारियों को फ़ायदा मिले, तभी उस बड़े अर्ज की बात है कि हमारा जो एक डिमांड थी एकता एक्सप्रेस को पुनः चालू करने की, उसको आज हरी झंडी दिखाकर हमने भिवानी से निकाल दिया। और इस ट्रेन के चलने से जो गरीब उत्पादी है उसको उसमें सफ़र करने का एक अलग से आनंद आएगा, क्योंकि बसों का सफ़र कुछ महंगा है। तो ये रेलवे ने जो काम किया है इसके लिए रेलवे के सभी अधिकारी, हमारे माननीय सांसद और रेल मंत्री केंद्र में, उन सब ने मिलकर जो ये काम किया है उसके लिए मैं अपना इनके प्रति अपनी शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ। और जो हमारे लोग प्रतिनिधि हैं जो ज़्यादा बाड़ा छटने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये काम हुआ है, इसके लिए हम सभी का इनका जो भी अफसर है, जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी हमारे सांसद हैं
और भिवानी की जनता है, इन सब का हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और इन सब को लेकर आगे भी भविष्य में भी यदि कोई बात आती है तो उसको भी हमें पूरा करने का काम। क्या समय रहेगा इसका? इसका समय सुबह का ही है, वही 4 बजे का, 4:30 का, तो 4:30 बजे चलेगी हमसे। और रात को 11 बजे भी होनी वापसी आई। और इसमें अभी 6 घंटे का समय जाने में लगेगा और 6 घंटे का समय आने में लगेगा। इस टाइम को घटवाने के लिए हमारा प्रयास है, हमारे सांसद महोदय का भी, मेरा भी, और जो भी प्रयास इसके लिए किए जाएंगे वे हमारे यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं देने का लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है। 2.5 साल पहले लगभग ये ट्रेन बंद हो गई थी और इससे जो है भिवानी के नागरिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और अब ये जो है शुरू हुई है तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि लोग बसों में जाते थे, बसों के अंदर काफ़ी असुविधा भी होती है और किराया भी ज़्यादा लगता है, और इसके अंदर सुविधाएँ ट्रेन में ज़्यादा होती हैं। खासकर बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना वो तो बड़े दुखी होते थे बसों में जाते समय, और युवा पीढ़ी के काफ़ी एम्प्लॉई भी जो है ना मंडे को अरलिंदा मॉर्निंग जाते हैं और टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो इसका हमारे आने वाले समय में इस ट्रेन का बहुत ही फायदा होगा। तो आप लोगों को किस प्रकार का बेनिफिट मिला है इससे? इससे तो सही मायनों में तो जो है ना एक सुविधा है, तो ये सुविधा सबको सबके लिए लाभकारी होगी। भिवानी से चंडीगढ़ होते हुए कालका जाने वाली गाड़ी का शुभारम्भ सांसद रणजीत जी ने किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भिवानी निवासी पिछले 2.5 सालों से इस गाड़ी के लिए तरस रहे थे, जो कि चंडीगढ़ हर आदमी को जाना पड़ता है, चाहे वो सेक्रेटरी जाना हो, चाहे PGI जाना हो, चाहे हाईकोर्ट जाना हो, हजारों रुपए वेस्टेज होते थे। अब इस गाड़ी में जो है वो चंडीगढ़ का सफर आराम से कर पाएंगे। हम सभी का, रेल मंत्रालय का, सांसद धर्मवीर जी का, सांसद अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं। एवं सांसद महोदय ने बड़ी विस्तार से बताई है कि सफ़र जो है बड़ा मतलब लंबा दे रहे हैं लोग, हर जगह 15-15 मिनट का शॉपेज दे रहे, उन सब शॉपेज को खत्म करें और गाड़ियों की स्पीड बढ़ाई जाए, ताकि रेल द्वारा यात्री चंडीगढ़ 4 घंटे पहुंच सके। क्योंकि आज रोड की कनेक्टिविटी हमारे देश के इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि भिवानी से चला हुआ यात्री चंडीगढ़ 3 घंटे बाई रोड पहुँच सकता है। इसलिए रेल मंत्रालय से हम लोग अनुरोध करते हैं कि स्पीड बढ़ाए गाड़ियों की और ठहराव जो है लिमिट के रखें, ताकि यात्री जो है अपने गंतव्य समय पर पहुंच सके। इसका विषय है भिवानी निवासियों की 2.5 साल मांग पुरानी हुई है, इसके लिए मैं श्री सांसद धर्मवीर जी का और हमारे प्रधान महावीर प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को इसका बड़ा सुविधा मिलेगी, और लंबा टाइम से इंतजार था इस बात के लिए। भारत सरकार के रेल मंत्री वैष्णव जी, चौधरी धर्मवीर सिंह MP भिवानी महेंद्रगढ़, और डॉक्टर अरविंद शर्मा MP रोहतक, इन सब का बड़ा योगदान। और लोकल लेवल महावीर आलमिया जी ये बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, आम जन को इसका बड़ा बेनिफिट होगा। भिवानी व बवानीखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पंचायती राज आम चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए के लिए चुनाव हेतु आगामी 12 सितंबर को पंचायत भवन में किया जाएगा ड्रा ऑफ लॉट्स का आयोजन, यह कहना है भिवानी के SDM संदीप अग्रवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए उपमंडल अधिकारी नागरिक संदीप अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में वार्ड पंच व सरपंच तथा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पिछड़ी श्रेणी कै के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, इसलिए सीटों के आवंटन के लिए संशोधित नियमानुसार 12 सितंबर को सुबह 9 बजे ड्रॉ ऑफ लॉट्स निश्चित किया गया है। SDM ने आम जन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स में निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं 2021 के नियम 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार खंड भवानीखेड़ा के लिए भी ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा। यह ड्रॉ ऑफ लॉट्स स्थानीय पंचायत भवन में 12 सितंबर को दोपहर बाद 2 बजे निकाला जाएगा। पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 9 और 54 में संशोधन किया गया है, जो कि अध्यादेश 2022 2 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। उसी की अनुपालना में अब जो भी अपने ग्राम पंचायत में सरपंच है, पंच है
ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं और जिला परिषद के मेंबर हैं। सभी चारों श्रेणी में, मतलब चारों अपने जो भी पोस्ट हैं उनमें BCA की सीट रिजर्व करने का निर्णय लिया गया है। उसके ही आधार पर अब सभी, पहले ये डिसाइड होएगा कि कौन से ग्राम में कितने वार्ड जो हैं वो BCA के लिए रिजर्व किए गए हैं, उसी तरह कौन कौन से सरपंचिस में BCA के लिए रिजर्व किए गए हैं और कौन से ब्लॉक मेंबर्स के लिए BCA के लिए और कौन से जिला परिषद के लिए। जैसा कि वर्णित है कि ऑलरेडी जो हमारा शेड्यूल SC जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो ऑलरेडी रिजर्व की जा चुकी है, उसमें कोई प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। उसके अलावा जो है वो BCA की जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो 50% ही रहेगी। इसमें जो हेड ऑफिस से डायरेक्टर जो पंचायत से अपने BCA की सीट रिजर्व होके हमारे पास आएंगी, उसके बाद ड्रॉ ऑफ लोड्स हम जिला स्तर पे करेंगे। हर ब्लॉक के लिए SDM को अधिकृत किया गया है कि SDM जो है वो उनके अधिकृत जो जो ब्लॉक आएंगे उसमें BCA की जो भी सीट रिजर्व है, जितनी सीट रिजर्व है उनके लिए ड्रॉ निकालेंगे SC सीट्स को छोड़कर, और जिससे कि हर एक डाटा तैयार हो जाएगा कि कौन से वार्ड में कौन सी सीट SC के लिए रिजर्व है और कौन सी BC के लिए और कौन सी अनरिजर्व सीट्स है। और जिसके लिए अब हमने इसी के अनुपालना के लिए 12 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे पंचायत भवन भिवानी में खंड भिवानी के लिए ड्रॉ ऑफ लोड्स के निश्चित का समय निश्चित किया गया है। उस दिन हमारी सभी पंचायतों के लिए सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के लिए ड्रॉ ऑफ लोड्स निकाला जाएगा, और दोपहर 2 बजे खंड भिवानी खेड़ा के लिए पंचायत भवन भिवानी में ड्रॉ निकाला जाएगा। तो यह सभी ग्रामवासियों से भी अनुरोध है कि वह ड्रॉ में भाग लें, जिससे कि उनके सामने प्रस्तुत होकर इसका ड्रॉ का। स्थानीय भगत सिंह चौक पर बन रहे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के निर्माण कार्य में मिली धांधली की शिकायतों को लेकर विधायक घनश्याम सराफ ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री का निरीक्षण किया। 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल में की गई छापेमारी के दौरान निर्माण ठेकेदार मौके पर उपस्थित नहीं मिला। गौरतलब है कि इस स्कूल को बनवाने के लिए विधायक ने अपने पिछले 2 कार्यकाल के दौरान बड़ी मेहनत कर विधानसभा के माध्यम से इस स्कूल को मंजूरी दिलवाई थी तथा इसके लिए करोड़ों रुपयों की राशि भी उपलब्ध करवाई। अब जब यह स्कूल बनकर तैयार होने को है तो ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर विधायक के स्कूली शिक्षा के सपने को पलीता लगा रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर विधायक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर एकाएक आज इस स्कूल परिसर में छापेमारी की। विधायक ने पाया कि यहाँ पर घटिया किस्म के सीमेंट के प्रयोग के साथ ही टाइल लगाने व कमजोर तरह की लिपाई की जा रही है, जो बनने से पहले ही पपड़ी बनकर टूट रही है। इसके अलावा कमरों के छत की POP भी उखड़ती हुई नजर आ रही है। विधायक ने खुद इस निर्माण कार्य की कमी को नजदीक से देखा और इस निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड तक करने की बात कह डाली। आज ये भगत सिंह चौक के बाद सरकारी स्कूल बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी तरह अव्यवस्थित है, लिपाई का काम भी बुरी तरह से प्रभावित है और जगह जगह POP के भी पपड़े उतरते नजर आ रहे हैं। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, और मैडम निर्मला नागर, संतोष नागर जी को हमने यहाँ पे बुलाया और ये भी मेरी तरह इंस्पेक्शन करने के लिए पहली बार शायद आई है। तो ये जो काम हल्की क्वालिटी का हो रहा है, हल्के स्तर का हो रहा है, इसके लिए हमारा ठेकेदार को भी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं और मान SDO जेई वगैरह जो भी यहाँ पे आए उन सब के हमने ये काम दिखा दिए हैं कि आपका क्वालिटी कितनी पुअर है, और ये पहले नीचे की कह रहे थे लेकिन ऊपर भी वही है काम। दोनों जगह एक सा काम जो किया है वो सरकारी पैसे को लूटने का एक प्रपंच है, और इस टाइप से यदि ठेकेदार काम करेंगे तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्यवाही। कल भी मेरी बात हुई मुख्यमंत्री जी से और आज फिर से शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि ऐसी व्यवस्थाओं में स्कूल हमें चाहिए ना बनाए, क्योंकि इनमें व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, और ऐसे में
हमारे अधिकारी भी इनसे नाराज हैं और मैं भी इस ठेकेदार से पूर्ण रूप से नाराज हूँ। 5 करोड़ 8-10 लाख रुपए की लागत से काम होने जा रहा था, लेकिन इसमें और पैसे की आवश्यकता थी तो हमें बताते, हम इस ठेकेदार को बढ़िया सीमेंट और बढ़िया मसाला इनको बनवा के देते। और ये तब बात समझ में आएगी जब हमारे बच्चे किसी भी रूप में यदि यहाँ पे कोई भी हादसा होता है तो उसमें बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। ये हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का और नर्सरी से लेके ये छठी से बारहवीं तक का, पहली से पांचवी तक का स्कूल हमारा सेक्टर 13 में पहले से ही चल रहा है। और अब इसका हमें उद्घाटन करने की बारी आने वाली थी, लेकिन बहुत ही पुअर क्वालिटी का ये काम यहाँ पे हुआ है। देखिए ऐसा है, ये बिल्डिंग हमने देखी है, मैं भी मतलब यहाँ मैंने बीइंग ए डीपीसी जो है फरवरी में ही ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे दूसरी बार ये मौका मिला इसे देखने का अंदर से अच्छी तरह से, तो आज ही मैं चेक कर पाई हूँ। ऊपर से फिनिशिंग का काम चल रहा है और जहाँ 2-3 त्रुटियाँ पाई हैं, जैसे भी लिपाई में थोड़ा सा जैसे उन्होंने देखा है उसमें, और ये ज़्यादा तो टेक्निकल आदमी है SDO या JEE बताएंगे, और लेकिन हाँ जैसे विधायक साहब ने जो हिदायत दी है और उनका जो भी है, तो मैं भी इन लोगों को रिटर्न में यही लिख के दूंगी कि भाई जो भी बिल्डिंग का में कमी है उसको ठीक करें, अच्छी तरह से करें। और जो ठेकेदार है वो आज आ नहीं पाया, उससे मेरी बात नहीं हो पाई, अगर उसने कोई भी कमी इसमें छोड़ी है तो हम उसके खिलाफ भी लिखेंगे। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं व महिलाओं को दिया जाता है नारी सशक्तिकरण पुरस्कार, यह कह रहा है महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग अधिकारी दर्शना का। वहीं उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को वर्ष 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए बताया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, महिलाओं व समूहों हेतु नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पात्र व्यक्ति, समूह व संस्था 31 अक्टूबर तक award.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आगामी 8 मार्च 2023 को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यक्तिगत, समूह व संस्था के असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 25 वर्ष तथा संस्था का महिला उत्थान व सशक्तिकरण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। पुरस्कार अवार्ड 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और ये 31 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन रहेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इसके। ये उन व्यक्तिगत और समूह और संस्था को दिया जाएगा, इसमें 2 लाख का कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिन इसके लिए क्राइटेरिया यही रखा गया, कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी और कम से कम 5 साल तक उसने काम किया होना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेक्टर में और सेफ्टी पॉइंट से महिलाओं को प्रोत्साहन किया है आगे बढ़ने के लिए, अपने फैसले लेने के लिए और अपना कोई भी कार्य शुरू करने के लिए। इसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल और अर्बन, कहीं भी कम्युनिटी में जहाँ भी समुदाय में जहाँ भी जरूरत पड़ी है महिलाओं को, महिलाएं लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कब तक? 31 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा पूरा डाटा इसमें। हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत गांवों की अनुसूचित जाति की चौपाल में स्थापित किए जाएंगे पुस्तकालय, यह कहना है जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति के चौपालों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पुस्तकालय के लिए चौपाल के अंदर कम से कम 2 कमरे उपलब्ध होने जरूरी हैं, ताकि वहां पर पुस्तकों को रखने के साथ साथ पढ़ने की सही ढंग से व्यवस्था भी की जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सहायता राशि अनुदान स्कीम के तहत दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो भी संस्था गांव के अनुसूचित जाति के चौपाल में पुस्तकालय स्थापित करना चाहती है वे सोसाइटी आगामी कार्यवाही के लिए सभी दस्तावेज सहित लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। विभाग के माध्यम से ऐसी पंचायतें जो अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए कार्य करती है उनकी भलाई हेतु जैसे वो पंचायतें जिनके पास अपने दो कमरे हों और वो अपने उनमें किसी एक कमरे में अपने पुस्तकालय खोलना चाहते हो तो उसके लिए 2,00,000 रुपये देने का प्रावधान है। उसके लिए पंचायती खुद की ज़मीन हो और बाकी जो कागजात है जैसे असेसमेंट है और पंचायत की तरफ से प्रस्ताव है और जो पंचायत का जो खाता है बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक दस्तावेज हैं वो पूर्ण जमा करवाती है पंचायत की तरफ से या और तो उनको 2,00,000 रुपये देने की व्यक्ति बच्चे जो भी हैं उनका ज्ञानवर्धन होगा एक तो उससे चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों या मीडियम एज के बंदे हों उनको फ़ायदा होगा। वो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित किताबें रख सकती है पंचायत या और भी ज्ञानवर्धक जो किताबें होती हैं उनको भी वहाँ रख सकती है। सरकार की तरफ से निःशुल्क करेंगी सर ये? सर उसके लिए सरकार से 2,00,000 रुपये राशि का देने का प्रावधान है वो राशि पंचायत को प्रदान की जाएगी बाकायदा उनके पास जगह है वो बस उसके लिए कंडीशन ये है कि पंचायत के पास कम से कम 2 कमरे हों। हरियाणा सरकार के बिजली विभाग द्वारा बिजली के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी करते हुए बड़ी सौगात का ऐलान किया गया है। वहीं विभाग अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं का मीटर कनेक्शन कट चुका है वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली उपभोक्ता जिसने बिजली का बिल नहीं भरा हो वह कई दिनों से डिफॉल्टर हो चुका हो या ऐसा उपभोक्ता जिसका बिजली बिल के कारण मीटर कनेक्शन काट दिया गया हो ऐसे उपभोक्ता इस सरचार्ज माफ़ी का फायदा उठा सकते हैं। जब इस बारे में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बिल की पेंडिंग रिकवरी करने के लिए और उपभोक्ता पर पूरे बिल का पैसा एक साथ जमा करवाने के लोड को देखते हुए वह उन्हें किस्तों में अदा कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सभी सब डिवीज़न बिजली घर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सरचार्ज माफ़ी योजना को आम लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉल्टर उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकें। DHBVN ने भी 24/2022 सर्कुलर लॉन्च किया है सरचार्ज वेवर स्कीम के नाम से। ये सरचार्ज वेवर स्कीम गवर्नमेंट कंज्यूमर के लिए एग्रीकल्चर के लिए और म्यूनिसिपल कमेटी ग्राम पंचायत कनेक्शन के लिए चाहे वो कनेक्टेड है चाहे डिसकनेक्टेड है। कंज्यूमर जो जिसका डिफॉल्टिंग अमाउंट 31/12/21 को पेंडिंग है आज की डेट भी वो पेंडिंग है। जो आज की डेट पेंडिंग है मान लो किसी ने पार्ट पेमेंट करा दी तब भी उसका हम आज की डेट में सरचार्ज है वो सरचार्ज माफ करेंगे। अगर कोई बंदा पूरी पेमेंट करता है इस सरचार्ज वेवर स्कीम के तहत तो फुल एंड फाइनल पेमेंट करता है तो उसको 5% का रिबेट भी देंगे। अगर कोई 3 किस्त बंदा हमारे से कराता है तो उसका सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा अगले एक साल के लिए। अगर वो रेगुलर बिल भरता रहेगा तो उसका सरचार्ज माफ़ कर दिया जाएगा। अगर वो डिफॉल्टर होगा तो सरचार्ज वापस उसके खाते में जोड़ दिया जाएगा। ये तो है जो ग्रामीण क्षेत्र में डोमेस्टिक और अर्बन क्षेत्र में डोमेस्टिक और गवर्नमेंट कनेक्शंस म्यूनिसिपल कमेटी ग्राम पंचायत एग्रीकल्चर इनके ऊपर लागू है इसकी। इसके अलावा अदर कैटेगरी जो इसकी कनेक्शंस हैं ST के LP के NDS के उसके ऊपर जो हम 1.5% सरचार्ज लगाते हैं उसको छोड़ के 10% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और जो 10% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो कंज्यूमर से रिकवर होगा। उसमें जो बराबर सारी किस्तें जो भरेगा उसके ऊपर भी उसको 5% की रिबेट दी जाएगी। तो सर ये कब तक रहेगी? ये अभी 30/11/22 तक है और हमने भी सभी उपमंडल अधिकारी अपने एक्शंस को ये डायरेक्शंस दी गई है कि इनकी कंज्यूमर्स की विलेज वाइज डिफॉल्टर लिस्ट बनाएं और गांवों के अंदर दरबार लगाएं ताकि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों को मिल सके और महकमे की जो रिकवरी है वो रिकवर हो सके।
बुधवार को पालुवार शोर स्थित कैरियर प्लान पब्लिक स्कूल परिसर में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिले के निजी स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ व सीबीएलयू के वीसी प्रोफेसर आर के मित्तल के द्वारा जिले के करीब 51 प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि जहां पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाने की गूंज रही, वहीं भिवानी में भी अनेक संस्थाओं द्वारा इस दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पालवास रोड पर स्थित करियर प्लेनेट पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 51 विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि शिक्षक सभी तरह से सबसे ऊपर है और देश को आगे ले जाने में उन्हीं का सहयोग होता है। विधायक घनश्याम सराफ का कहना था कि शिक्षक अपनी संस्था में पूर्ण रूप से समर्पण के साथ कार्य करते हैं। वहीं सीबीएलयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल भी इस समारोह में पहुंचे और समाज में शिक्षक की भूमिका पर अपना व्याख्यान दिया। वहीं इस अवसर पर प्रधान राम अवतार शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बधाई देता हूँ राम अवतार जी को भी, सभी शिक्षकों को जिन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम किया है डिस्ट्रिक्ट भिवानी में। खासकर वो 50 प्रिंसिपल जो सब मायने में सबसे ऊपर थे, आज उनका सम्मान किया है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश किसी भी समाज को आने वाले समय में आगे ले जा सकती है। सारी बुराइयाँ अगर ख़त्म करनी हैं तो एजुकेशन के माध्यम से हो सकती है। एजुकेशन ये मान के चलिए कि हमने अगर आगे बढ़ना है तो केवल एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन। आज ये प्रिंसिपल का सम्मान कार्यक्रम जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हुआ, इसमें जितने भी अच्छे प्रिंसिपल हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, पूरे ज़िले के 51 प्रिंसिपल्स को। और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम यदि हम करते हैं तो ये शिक्षक भी पूर्ण रूप से हमारा बच्चों को तैयार करने में अपना समय देंगे। और ये जो प्रिंसिपल हैं ये कोई किसी भी संस्था में हों तो वे कोई आसान बात नहीं कि वे अपने बच्चों को पूर्ण रूप से समर्पित होकर। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट भिवानी ने हमारे जिला अध्यक्ष अमित डागर जी के मार्गदर्शन में जो हमारे भिवानी जिले के मेम्बर स्कूल हैं, जो एसोसिएशन के मेम्बर हैं, उन स्कूल्स के प्रिंसिपल का आज सम्मान मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर के मित्तल जी और जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी के हाथों से आज यहाँ हमने उनको ऑनर करवाया है। क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूलों के देखो टीचर्स के तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोचा कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है, हमारा जो प्राचार्य होता है, वो सारा दिन स्कूल की चिंता करता है, वो हर बच्चे की चिंता करता है, तो क्यों न एक अलग हम अलग का कार्यक्रम इन प्रिंसिपल्स को सम्मानित करें। तो इस प्रकार की सोच को लेके कि प्रिंसिपल्स भी मोटिवेट हों हमारे, वो उनमें भी काम करने की क्षमता बढ़े, उनमें भी उनको भी इस सम्मान से ऊर्जा मिले, ये सोच करें कि ये निर्णय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया था। और इस भिवानी के करियर प्लान पब्लिक स्कूल में आज का ये कार्यक्रम बहुत गरिमामय उपस्थिति में
हमारे एमपी साहब की, एमएलए साहब की गरिमा में उपस्थिति में। बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के द्वारा पोषण माह के चलते स्थानीय ठाकुर वीर सिंह पार्क में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकालते हुए महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए महिलाओं को जागरूक किया। बुधवार को लोहट बाजार स्थित श्री श्याम प्राचीन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण के जलवा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्वाल बालों के द्वारा मिलकर हांडी तोड़कर माखन मिश्री व दही का प्रसाद ग्रहण किया गया। स्थानीय लोहड़ बाजार में श्याम मंदिर गली में स्थित श्री श्याम प्राचीन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के बाद जलवा पूजन समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में भगवान कृष्ण और ग्वालों ने मिलकर दही हांडी तोड़कर मिश्री माखन दही पर कब्जा किया और वहां उपस्थित सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण भी किया। गौरतलब है कि श्री श्याम प्राचीन मंदिर में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें भारी संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं। प्रोग्राम है आज माता यशोदा जलवा पूज रही है, माता यशोदा जलवा पूज रही है और कान्हा जी मक्खन खा रहे हैं मटकी से चोर के और उसमें भक्तों ने बड़े आनंद से बहुत ही आनंद लिया जिसका हम अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकते। किस उपलक्ष्य में मनाया गया ये आज कृष्ण भगवान के जन्म जलवा के रूप में मनाया जा रहा है। जलवा पूजन माता यशोदा जलवा पूजने के लिए जा रही है और जलवा पूजने के लिए यहाँ से जा रही है। और आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे का प्रोग्राम ये है कि हमने पिछले काफी सालों से मनाते आ रहे, आगे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं हे बाबा ऐसे ही बड़ी धूमधाम से मनवाते रहना, हम आपकी सेवा में लगे रहे, आप सेवा का मौका देते हैं। बोल साचे दरबार की। स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आवश्यक दवाइयां, जांच पड़ताल व चिकित्सक इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी सदस्य द्वारा अस्पताल परिसर में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरने के दौरान पार्टी सदस्यों द्वारा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उप जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को भेजा गया। धरने को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि जब से अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर्स सेवा से रिटायर हुए हैं तो उनके जगह डॉक्टर्स नहीं लगाए गए हैं। सभी मरीजों को पैसा देकर बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। ईएनटी के मरीजों को डॉक्टर्स के अभाव में खानपुर व रोहतक पीजीआई में भेजा जा रहा है जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को अस्पताल से दवाइयाँ देने के बजाय बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ दिलवाई जा रही हैं, जबकि राज्य सरकार का निर्देश है कि अस्पताल में ही मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी जाएं। सरकार व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। धरने पर सभी वक्ताओं ने अस्पताल प्रशासन व राज्य सरकार को आगाह किया है कि उन्होंने मरीजों के हित में उपरोक्त मांगे लागू नहीं की तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। कि कुछ मांगे हैं जैसे कि खास करके ईएनटी का डॉक्टर लगाना है जो कि हमने डायरेक्टर महोदय को लिखा हुआ है और जल्द ही हो जाएगी, और कुछ दूसरी मांगे हैं जैसे कि दवाइयों के बारे में वो भी हम पूरी करवा देंगे जल्दी। अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगाई हुई है डॉक्टर राज की भवानी खेड़ा से, वो एक दो दिन में आ जाएंगे। हम बाकी लगभग इनकी मांगे पूरी हो ही चुकी हैं, बाकी ऊपर भी हम मंत्री साहब को स्वास्थ्य मंत्री साहब को ऊपर भेज देंगे, एक आधी जो कमी रहेगी वो भी पूरी हो जाएगी। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, उसमें ईएनटी का डॉक्टर भी नहीं है और अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर भी नहीं है, दवाई बाहर से लेके आता मरीज, गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है। तो हमारी मांग यही है कि जितने भी फैकल्टी हैं डॉक्टरों की वो सारी फैकल्टी पूरी करी जाए। दूसरा आईज का डॉक्टर सिर्फ एक है और ओपीडी जाती है 200-250, इसी प्रकार हड्डी का डॉक्टर की ओपीडी ज़्यादा है तो वहाँ उसी ओपीडी के हिसाब से फैकल्टी बढ़ाई जाए, ये हमारी मांग है। और हमें सरकार को चेताया है कि जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, दवाइयों प्रबंध किया नहीं तो बहुत बड़ा हम स्टेशन के खिलाफ करेंगे। मैं कॉमरेड रवि खन्ना, यहाँ आज हमने सभी कुछ पार्टियों के और संघर्ष समिति के लोगों ने आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर धरना लगाया है क्योंकि यहाँ दवाइयाँ जो है बाहर से मंगवाई जाती है, अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब है और दूरबीन की मशीन ख़राब है, इको नहीं है और जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं मेरे संज्ञान में आए तो मैं एक मिनट से पहले काम करता हूँ। हम उनसे कहना चाहते हैं कि इसके जल्दी से जल्दी जनता की आवाज़ को सुने। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।